के इस सेकंड फेज के इस दौर के बाद दिल्ली काफ़ी अर्से के बाद जाना हुआ है जी। और स्वाभाविक रूप से दिल्ली में हमारे हिमाचल प्रदेश के जो मेजर प्रोजेक्ट्स जिसका फॉलोअप करने की ज़रूरत थी, उस सिलसिले में केंद्र में विभिन्न विभागों के मंत्रियों से मिला हूँ और विस्तार से बातचीत हुई है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत संतोषजनक बातचीत हुई है। और उसके साथ मैं कह सकता हूँ कि तो हमारा GST कंपनसेशन का जो पैसा था वो पेंडिंग था लगभग 280 करोड़, उसके सिलसिले में हमने बात की वित्त मंत्री जी से और उनने सहर्ष उसको स्वीकार किया और कहा कि बहुत जल्दी वो पहुंच जाएगा। शायद मुझे लगता है कि एक दिन या दो दिन के अंदर वो पैसा हमको रिलीज हो जाएगा। एक बड़ा अमाउंट वो हमारा हिमाचल की दृष्टि से उतर सकता। केंद्रीय गृह मंत्री जी से मिलना हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री जी से हमने जो हमारे विभिन्न विभागों के कुछ इश्यूज थे उन पर हमने चर्चा की है, बातचीत की है। और हिमाचल के साथ साथ हमारा जो सीमा वाला विषय है उस सिलसिले में भी उनसे बातचीत हुई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री जी से भी बात हुई है और केंद्रीय रक्षा मंत्री जी से जो बातचीत हुई है उसमें बॉर्डर के इश्यूज़ को लेकर के थोड़ा रोड्स के लिए ज़्यादा फंड्स मिले, हमारे लिए BRO को ज़्यादा फंड्स दे करके वहाँ पर मदद हो, उस दृष्टि से हिमाचल के लिए और उसके बाद सीमा से जुड़े हुए विषय भी उनसे भी चर्चा हुए हैं। एक हमने ज़रूर बात कही है कि अगर संभव हो सके तो जो वॉकर हॉस्पिटल है, ये वॉकर हॉस्पिटल अगर हिमाचल प्रदेश सरकार को देने का कुछ निर्णय हो जाए तो हमारा हिमाचल प्रदेश का जो मेडिकल कॉलेज IGMC है उसके साथ वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये, और उसका एक लाभ रहेगा। उस दृष्टि से भी एक आग्रह किया है उनके सामने, अपना प्रस्ताव रखा उनके सामने। उसके अतिरिक्त केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर से भी बातचीत हुई है, उनसे हमने आग्रह किया कि हमको ऑक्सीजन के D-टाइप और B-टाइप सिलेंडर जो उनने उपलब्ध करवाए भी हमको बड़ी संख्या में, हमने कहा हमारी स्टोरेज कैपेसिटी हम आने वाले समय के लिए बढ़ाना चाह रहे हैं, उस दृष्टि से वो हमको उसमें सहयोग करें। तो उन्होंने कहा है कि हम लगभग 1000 D-टाइप सिलेंडर हिमाचल प्रदेश को उपलब्ध करवाएंगे ताकि हम ऑक्सीजन की स्टोरेज के लिए जो है वो बेहतर ढंग से काम कर सके। और इसके अतिरिक्त और भी विषयों पर उनसे बातचीत हुई है। केंद्रीय मंत्री जो नागरिक उड्डयन का ये डिपार्टमेंट देखते हैं पुरी जी, तो उनसे भी बातचीत हुई और उनसे विशेष तौर से जो हमारे शिमला हेलीपोर्ट के लिए कुछ एक औपचारिकता रहती हैं उसको हमने कहा कि उसको जल्दी हम फंक्शनल करना चाह रहे हैं। और उसके अतिरिक्त मंडी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के साथ में कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन, इन सारे विषयों पर डिटेल में बातचीत हुई है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मंडी के लिए वो सर्वे के लिए वो टीम पिछले कल वहाँ मंडी पहुँच चुकी है और आज से वो सर्वे और सारी OLS सर्वे की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं जो है वो लीडार सर्वे जो है वो आज से वो शुरू कर देंगे। और उसके बाद मुझे लगता है कि निश्चित रूप से तेज़ी से कुछ विषय आगे बढ़ेंगे उस दृष्टि से। इसके अतिरिक्त हमारा पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से संगठन सरकार के विषयों पर हमेशा बातचीत होती रहती है क्योंकि उनका ताल्लुक हिमाचल से है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल की छोटी बड़ी बात के बारे में वो जानकारी रखते हैं। अच्छी डिटेल में बातचीत इस दृष्टि से हुई।